नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज की वीडियो खासकर बनी है डायलिसिस पेशेंट के लिए। और इस वीडियो में हमें डायलिसिस पेशेंट को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। डायलिसिस से सब डरते हैं, डायलिसिस से सब इसलिए डरते हैं क्योंकि सबको पता है कि उसका जो एंड है वो अच्छा नहीं होता। पेशेंट वीक होता चला जाता है, कमज़ोर होता चला जाता है और फाइनली हमें छोड़ के चला जाता है। तो अगर हम एवरेज टाइम के बारे में बात करें कि एक पेशेंट डायलिसिस पे कितना लंबा टाइम रह पाता है, तो वो एवरेज होता है 5 ईयर्स अगर पेशेंट हफ्ते में एक बार डायलिसिस करवा रहा है। अगर हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाते हैं वो 2 से 3 साल होता है। और अगर वो गलती से हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करवा रहा है तो उसकी एज और कम हो जाती है। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि जितनी ज़्यादा डायलिसिस हमें करवाना पड़ेगा उतनी कम एज हमारी चल पाएगी, यानी उतनी कम बॉडी हमारी काम कर पाएगी। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि डायलिसिस जब हम करवाते हैं तो हमारे ब्लड में से सिर्फ ना क्रिएटिनिन निकलता है, यूरिया निकलता है, बल्कि बॉडी में जो एंजाइम्स हैं, प्रोटीन है, वो भी निकलना शुरू हो जाता है, विटामिन्स भी निकल जाते हैं। तो बॉडी में इन सब चीज़ों की कमी होनी शुरू हो जाती है। अब जब इन चीज़ों की कमी होती है तो बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस, डेली जो फंक्शंस होते हैं उनमें हिंड्रेंस पैदा होनी शुरू हो जाती है, उनमें रुकावट पैदा होनी शुरू हो जाती है। और रिजल्ट क्या होता है कि आप खाना तो खा रहे हो बट आप कमज़ोर होते जा रहे हो। और धीरे धीरे क्या होता है, एंजाइम्स ना होने की वजह से भूख भी कम होनी शुरू हो जाती है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस एक डायलिसिस वाले पेशेंट में आनी शुरू हो जाती है। अब समझने वाली ये बात है कि अगर हमें डायलिसिस करवाना ही है, मजबूरी है कि हमें करवाते ही रहना पड़ेगा, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला काम आप क्या कर सकते हो कि अपना खाना पीना अच्छा कर सकते हो, क्योंकि जितना अच्छा खाना पीना आप खाओगे 2 दिन में आपको इतनी ताकत मिल जानी चाहिए कि 3रे दिन जब आप डायलिसिस करवाने जा रहे हो तो बॉडी को टोटल नुकसान किसी भी टाइप का ना हो। यानी अगर मैंने बॉडी में 100 डाला और डायलिसिस में 100 निकल गया तो मेरा नेट क्या रिजल्ट हुआ, 0, हम चलेगा। बट अगर आपने बॉडी में खाना डाला, सपोज करो 90 के हिसाब से डाला और निकल गया 100, तो 10 का जो डेफिसिट तैयार होता है वो धीरे धीरे बॉडी को वीक करता चला जाता है। यानी खाना हमने अच्छे से रखना है। अब सवाल उठता है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, बहुत कन्फ्यूजन है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। जब आप डायलिसिस के पेशेंट होते हो तो आपको डाइट के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचना होता है, वो है एनर्जी के बारे में कि मैं खाना ऐसा कौन सा खाऊं कि जिससे मेरी बॉडी को मैक्सिमम विटामिन, मैक्सिमम मिनरल्स, मैक्सिमम एनर्जी मिल जाए। अब अगर एक डायलिसिस का पेशेंट, सपोज करो एक डायलिसिस का पेशेंट खाने के अंदर सिर्फ घिया थोड़ी टिंडा खा रहा है, उसकी बॉडी बहुत लंबा टाइम सस्टेन नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो खाना खा रहा है उसमें ताकत ही नहीं है। तो ऐसे पेशेंट जिनका डायलिसिस मजबूरी है, करवाना ही करवाना है, वो सबसे अच्छा काम क्या कर सकते हैं, अपने डाइट में बदलाव करते हुए रिच डाइट ले। अब रिच डाइट कौन सी होती है, रिच डाइट के अंदर अक्सर हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप फिश और एग्स को ऐड कर दो। अब फिश और एग्स तो हम किडनी फेलियर पेशेंट को मना करते हैं, मगर डायलिसिस पेशेंट को देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर किडनी के बारे में नहीं सोचना होता। डायलिसिस पेशेंट को अपनी बॉडी में लगे हुए बाकी ऑर्गन्स के बारे में सोचना होता है कि वो अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो वो अच्छा काम करते रहें। और उनका अच्छा काम करते रहने के लिए अच्छा खाना खाना ज़रूरी होता है। और अच्छा खाना हमें कहाँ से मिलता है, कम क्वांटिटी के अंदर। ज़्यादा क्वालिटी वाला फूड मटेरियल कौन सा होता है, वो अक्सर नॉनवेज ही देखने को मिलता है, मगर इसमें हैवी प्रोटीन से आपने अवॉइड करना होता है। यानी आप बीफ हो गया, मटन हो गया, पॉक हो गया, जो रेड मीट होता है उसका इंटेक नहीं करेंगे। आप अपने डाइट के अंदर क्या लेंगे, फिश एंड एग्स को ऐड कर देंगे, जिससे आपकी लाइफ एक्सटेंड हो जाती है ऑन डायलिसिस। जो पेशेंट वेजिटेरियन है वो भी कुछ ना कुछ उनके लिए भी होना चाहिए। तो जो पेशेंट वेजिटेरियन है, जो नॉनवेज नहीं खा सकते या नहीं खाना चाहते हैं, उनके लिए भी ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन है पनीर। घर में जो हम पनीर बनाते हैं, जब हम दूध को फाड़ते हैं तो पनीर बनता है, उस पनीर की आप सब्जी खाइए तो उस प्रोटीन के अंदर, उस पनीर के अंदर इतना प्रोटीन है कि आपकी बॉडी को लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएगा। दूसरी चीज़, अपनी डाइट के अंदर मशरूम जैसी चीज़ों को आप ऐड कर दीजिए, ज़्यादा मात्रा में ऐड कर दीजिए। अपनी डाइट के अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को ऐड कीजिए, मैं ड्राई फ्रूट्स को ड्राई नहीं खाना है, आपने उन्हें वाटर में सॉक करके खाना है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें अगर आपने डाइट में ऐड करेंगे तो उससे क्या, बॉडी में विटामिन मिनरल की कमी नहीं होगी, एंजाइम्स की कमी नहीं होगी, बॉडी के पास इतना रॉ मटेरियल होगा कि आपकी बाकी की जो ऑर्गन्स हैं वो परफेक्टली वर्क करते रहेंगे। तो ये तो बात हो गई डाइट के बारे में कि किस तरह से डायलिसिस का पेशेंट अपनी डाइट को सुधार कर, उसे इम्प्रोवाइज कर अपनी लाइफ को एक्सटेंड कर सकता है, मगर ये इकलौता रास्ता नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म काम करता है। रीज़न क्या है कि जब हम जितना मर्जी हम कोशिश कर ले, हम इस डायलिसिस की मशीन से जो निकल रही हमारी ताकत निकल जाती है उसे हम ओवरकम डाइट से बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें अपनी ही मशीन पर काम करना पड़ता है, अपनी किडनीज पर काम करना पड़ता है। जब हम अपनी किडनी पे काम करना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि वो थोड़ा सा काम किडनी कर रही है, यूरिन के रस्ते क्रिएटिनिन को निकाल रही है, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है डायलिसिस की वो डाउन हो जाती है।
यानी अगर आप हफ्ते में पहले दो बार डायलिसिस करवा रहे थे, अब हफ्ते में एक बार करवाना पड़ेगा। अब एक हफ्ते में एक बार डायलिसिस करवाते हो तो क्या होता है, छः दिन आप अच्छे से रच के खाना खाते हो, एक दिन अगर डायलिसिस में निकल भी जाता है तो आपको टोटल लॉस नहीं होता, एनर्जी का टोटल लॉस नहीं होता, एंजाइम्स का टोटल लॉस नहीं होता, आपकी बॉडी ग्रो करती रहती है, आपका वेट बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रहता है, वो लूज नहीं होता। अब एक डायलिसिस पेशेंट को अपने वेट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि उसे कैसे मेंटेन करना है, हर बार डायलिसिस करने जा रहे हैं, वो कह रहा है आपका वेट बढ़ता जा रहा है, इसे डाउन करो, पानी कम पियो, तो इसको मैं लास्ट में पूरा क्लियर करूंगा। मगर अभी हम चलते हैं दोबारा से अपने किडनी के ऊपर कि किडनी की फंक्शनिंग क्यों ज़रूरी है। अगर आपकी किडनी यूरिन बना रही है, दिन में आपको एक दो बार यूरिन आ जाता है, कम आता है, कोई बात नहीं, स्वेलिंग नहीं है, तो हम आपकी किडनी को बेटर फंक्शनल कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? वो है किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट। आपने मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे पेशेंट्स के आपने टेस्टिमोनियल देखे होंगे। अगर हम अपनी किडनी पे काम करना शुरू करते हैं तो किडनी ही क्रिएटिनिन और यूरिया को निकालना शुरू कर देती है, जिससे क्या होता है कि अगर हमारे लेवल डायलिसिस से पहले, अगर आप डायलिसिस करवाने जाते हैं तो डायलिसिस से पहले अगर आपके 11-12 आ रहे थे, वो 7-8 पे आना शुरू हो जाते हैं। यानी अगर आप हफ्ते में दो बार डायलिसिस करवाते थे, अब आपको दो बार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ एक बार में काम हो जाएगा। एक और तरीका होता है अपनी बॉडी को क्लीनअप रखने का, वो है घर पे डायलिसिस करना। अब आप सोचोगे घर पे डायलिसिस कैसे कर सकते हैं? हम अभी तक क्रिएटिनिन को, यूरिया को मानते थे कि वो सिर्फ यूरिन के रास्ते बाहर जाता है, किडनी के रास्ते बाहर जाता है नेचुरल तरीके से। मगर एक और नेचुरल तरीका होता है इस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का, वो है स्वेटिंग, यानी पसीना। अगर हम पसीने को हम टेस्ट करते हैं, उसको चेक करते हैं, तो हमारे पसीनों में यूरिया की मात्रा हमारे ब्लड की मात्रा से 55 टाइम्स ज़्यादा होती है। अब ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए होता है कि जब हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होना शुरू होता है तो अल्टरनेट पाथवेज के थ्रू बॉडी उसको एक्सीट आउट करने की कोशिश करती है। मगर किडनी फेलियर में पेशेंट में एक दिक्कत होती है कि उनको स्वेटिंग या तो नहीं होती, अगर होती है तो बहुत कम होती है, तो हमें उसे इंड्यूस करवाना पड़ता है। अब हम कैसे इंड्यूस करवा सकते हैं? एक्सरसाइज तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे मसल मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन बढ़ जाएगी, नहीं कर सकते। दूसरा तरीका है, वो है वेट हीट। आपने सोना का नाम सुना होगा, अक्सर जिमों में हम देखते हैं कि सोना बाथ लोग लेने जाते हैं, वेट लूज करने के लिए जाते हैं। आप क्या करेंगे, आप एक ऐसा ही चैम्बर अपने घर पर रखेंगे, आप दिन में 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटा, अगर हो सके तो 2 घंटे तक उस सोना चैम्बर के अंदर बैठिए। अब इससे क्या होगा कि सोना चैम्बर में बैठने से आपकी बॉडी में से पसीना निकलेगा, उस पसीने के साथ क्या क्या निकलेगा, पानी, फ्लूड, जिसके लिए हम डायलिसिस करवाने जा रहे थे, अब पानी तो हम पसीने से निकाल देते हैं, तो वो जो टेक्नीशियन है वो ये नहीं बोलेगा कि आपका वेट बढ़ गया, क्यों, क्योंकि हमने पानी तो निकाल दिया था पहले ही, तो हमारे डायलिसिस की रिक्वायरमेंट कम हो गई। दूसरी चीज़ हमारे पसीने से निकलती है, वो है सोडियम और पोटेशियम। अब सोडियम पोटेशियम अगर अपनी रिपोर्ट में, KFT रिपोर्ट में देखो तो अक्सर वो पेशेंट की नॉर्मल देखने को मिलती है, तो अगर हमारी बॉडी में नॉर्मल सोडियम पोटेशियम है तो वो हमारे पसीनों के रस से ज़्यादा नहीं आएगा, मगर अगर वो ज़्यादा हो गया है तो वो स्वेटिंग के थ्रू, पसीनों के थ्रू बाहर आ जाएगा, यानी उसकी बढ़ने की संभावना कम हो गई। तीसरी चीज़ उसमें क्या होती है, वो है यूरिया। यूरिया की बहुत ज़्यादा मात्रा हम पसीने से निकाल सकते हैं, तो अब बहुत ज़्यादा यूरिया निकलने की वजह से क्या हुआ कि यूरिया से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ख़त्म हो गई। यानी यूरिया से जो हमें कॉम्प्लिकेशन होती, भूख ना लगना, घबराहट होना, मुंह में टेस्ट मेटेलिक हो जाना, बदबू आना, ख़त्म हो गई, क्योंकि यूरिया का लेवल डाउन हो गया, खाना हम अच्छे से खा रहे हैं। अब तीसरी चीज़ जो निकलती है वो है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन का दिक्कत क्या है कि वो पसीने के रास्ते बहुत कम मात्रा में निकलता है, बट निकलता है। तो अगर हम देखें कि अगर हम डेली बेसिस पे अगर सोना लेते हैं तो हम घर पे एक तरह से डायलिसिस जो हम कर रहे हैं, इससे हमारी डायलिसिस की रिक्वायरमेंट कम होगी ना। पहले हम हफ्ते में दो बार जाते थे, अब हम 6 दिन तो अपने घर पर कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और 1 दिन जाकर अगर ज़रूरत है तो हम हॉस्पिटल में करवा लेते हैं, वरना हम नहीं करवाते। तो इन चीज़ों को अगर हम अप्लाई करते हैं डायलिसिस पेशेंट में, यानी हम डाइट का ध्यान रखा, हमने अपनी किडनी पे फंक्शनिंग को बढ़ाया, हमने पसीने के रस से क्रिएटिनिन, यूरिया, सोडियम, पोटेशियम सबको थोड़ा थोड़ा निकाल दिया, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है डायलिसिस की कम हो गई, और ये आपकी लाइफ को एक्सटेंड करता है, क्योंकि नंबर ऑफ डायलिसिस हमारे डाउन हो गए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, खाना अच्छे से खाना है, खाने को कम नहीं करना होता। अगर आप खाना कम खा रहे हो तो आपकी बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। अब चलते हैं, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको बताऊंगा वेट का सिनेरियो क्या होता है डायलिसिस पेशेंट के अंदर। अपनी बॉडी को देखो, आपकी बॉडी में बोन्स हैं, मसल हैं, फैट है, और क्या है, फ्लूड यानी पानी, तरल पदार्थ। जब हम डायलिसिस करवाने जाते हैं तो डायलाइसर जो मशीन होती है वो पानी को निकाल देती है, और हमारी बॉडी में बहुत बड़ी परसेंटेज इस फ्लूड की होती है। 60-70% हमारी बॉडी में फ्लूड ही फ्लूड है, पानी ही पानी है। तो अगर उसमें से हम 10% भी निकाल लेते हैं तो हमारा वेट में बहुत ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिलती है।
तो अगर आप डायलिसिस करवाने जा रहे हो और आपका देख रहे हो कि आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अगर आप स्टीम लोगे तो क्या होगा कि वो निकल जाएगा, तो आपका वेट बढ़ेगा नहीं। डायलिसिस के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा उठा हुआ देखने को मिलेगा नहीं। तो ये एक अच्छा तरीका है अपने वेट को मेंटेन करने का, और जो वेट आपका बढ़ रहा है घट रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड की वजह से हो रहा होता है। तो जब हम अपना डायलिसिस के टाइम पानी निकलवा लेते हैं, तो उसके बाद जो वेट आता है उसे हम कहते हैं ड्राई वेट, यानी कम से कम पानी के अंदर हमारा वेट क्या रहा है। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट डायलिसिस करवा रहा है, वो अपना पानी के अमाउंट को आधा लीटर कर देता है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम नहीं होती, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पानी कम पीने की वजह से यूरिन कम आता है, यूरिन कम आने की वजह से क्रिएटिनिन और यूरिया यूरिन के रास्ते नहीं निकल पाता, जो निकल रहा है सिर्फ डायलिसिस से निकल रहा है। तो रिजल्ट क्या होता है कि क्रिएटिनिन और यूरिया के वैल्यूज़ कम नहीं होते, वो बढ़ते चले जाते हैं। डायलिसिस करवाएंगे तो नीचे आएगा, फिर बढ़ते चले जाएंगे। तो हमने क्या करना होता है, हमने अपनी किडनी का भी सपोर्ट लेना है, चाहे वो 5% काम कर रही हो, 10% काम कर रही हो, 20% काम कर रही हो, जितने परसेंट भी वो काम कर रही है, अगर वो यूरिन बना रही है तो क्रिएटिनिन यूरिया को कुछ ना कुछ मात्रा में बाहर निकाल देगी, और हमें उसकी हेल्प लेते रहना चाहिए। रहा सवाल बॉडी वेट का, फ्लूड का, कि पानी शरीर में इकट्ठा हो रहा है, उसको आप पसीने से निकाल दो, मगर आप अपनी बॉडी के अंदर अपनी किडनी पे काम करते रहो और अपनी डाइट पे खासकर ध्यान रखो, खाने में किसी भी टाइप की कमी मत करो। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ किडनी फेलियर के पेशेंट से मिले, उनकी रिपोर्ट्स देखें, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आप अपने डायलिसिस को रोक सकते हो, किस तरह से आपकी अगर क्रिएटिनिन वैल्यू बढ़ रही है तो उसको लोअर डाउन लेकर जा सकते हो और अपनी कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हो। 3 महीने के इलाज के अंदर 1 महीने के अंदर हमने डायलिसिस बंद कर दिया, और 2 महीने से कोई डायलिसिस नहीं, आप आराम से सर्वाइव कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेवल आराम से मेंटेन हो रहे हैं। बाकी जो मरीज होते हैं जो डायलिसिस करवा रहे होते हैं, करवाने वाले हैं, जिनको बहुत डर होता है किडनी फेलियर से, डायलिसिस से, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, एक बार यहाँ पे ट्राई करने में कोई जी मेरे लिए तो सक्सेसफुल ही हुआ, और यहाँ आएगा तो फायदा मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन, और आज आपको ऐसे पेशेंट से मिलवाएंगे जिन्होंने अपना डायलिसिस करवाया। डायलिसिस रुकने से पहले इनका क्रिएटिनिन लेवल 12 के आसपास था, और तकरीबन 1-2 महीने के इलाज के अंदर इनका जो डायलिसिस था वो पूरी तरह से रुका। तो मैं ज्यादा बात नहीं करता, चलते हैं मनोज जी के पास और उनसे जानते हैं कि उनके लाइफ में साइंस इंजीनियरिंग ने इन्हें क्या परिवर्तन किया। तो मनोज जी, आपको कब पता लगा था किडनी खराब हो रही है आपकी? मेरे को जी पता लगा था फरवरी में। फरवरी कौन सा साल? इसी साल में। हाँ जी। अच्छा, और लेवल क्या था तब किडनी के? उस टाइम तो लेवल मेरा जी बिल्कुल ही डैमेज था, मतलब डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था वहाँ। अच्छा। हमारे वहाँ मैंने फिर दिखा इसमें, और एक वो था उसमें था, तो उन्होंने ट्रांसप्लांट के लिए बोला था। और तब किडनी के लेवल क्या था? तो मेरा 530 तो यूरिया था। 530 यूरिया? हाँ जी। और किडनी 12 था शायद। 12 के आसपास था। डायलिसिस शुरू हो गया था? डायलिसिस शुरू हो गया था हर दूसरे दिन। हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता था आपका? हाँ जी। और फिर कब तक चला वो फरवरी से लेकर? वो चला जी, ये देख लो यहाँ 3 महीने हो गए मेरे को यहाँ। हाँ, मैं 4 महीने चला हुआ। 4 महीने आपका हफ्ते में 3 बार डायलिसिस चलता है? फिर आप यहाँ पर आए? हाँ, यहाँ पे आने के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में। जून में आ रहा हूँ। मई के आखिर में, जून में, मई के लास्ट 29 तारीख को मंगाई थी मैंने। 29 मैंने 1 तारीख से स्टार्ट की थी दवाई लेना। जून में 1 जून से शुरू किया। फिर मेरी डायलिसिस होने लगी लेने के बाद 15 दिन में। 15 दिन में एक बार? हाँ जी। तो हफ्ते में पहले 3 बार होता था, 15 दिन में एक बार चला गया। एक बार। और अब कितनी बार तो बंद है पूरा? अब तो बंद हो गई। मैं आपको थोड़ा सा मनोज जी के बारे में बता देता हूँ। इनकी किडनी जो खराब हो रही थी वो ब्लड प्रेशर की वजह से हो रही थी। ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह से इनकी किडनी शेक होने लगी। जैसे किडनी शेक होती चले गई, इनकी किडनी लेवल बढ़ते चले गए और इनको डायलिसिस की जरूरत पड़ गई। अब शरीर में वजन बढ़ रहा है पहले से? हाँ, पहले से इम्प्रूवमेंट है शरीर में। जो डायलिसिस आपका हफ्ते में 3 बार चल रहा था, कमजोरी जो आती है, अब वो कमजोरी शरीर में है नहीं है? नहीं, अब कुछ नहीं है जी, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। काम पे जा रहे हो? नहीं जा रहे? काम पे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि घर वाले मना कर रहे हैं, बोला अभी और अभी थोड़ा सा कर लो, ठीक है। अभी कहीं शरीर में सूजन? ना, सूजन वगैरह कहीं नहीं है। खाना प्रॉपर हो रहा है? खाना प्रेस वो अच्छी तरह से, ठीक है। प्रॉपर खाने में भी दिक्कत हो रही है?
शरीर में ताकत पूरी बनी हुई है? आप ताकत पूरी है मेरे हिसाब से, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आप आपके लेवल किस लेवल पे मेंटेन हो रहे हैं? यूरिया तो जी आपने देख, मैंने रिपोर्ट तो मिली आपके पास है। हाँ जी मैं बता देता हूँ, यूरिया तो आपका तकरीबन 100 के आसपास है। हाँ 100 के आसपास है। क्रिएटिनिन हमारा जो मैनेज हो रहा है वो तकरीबन 6-7 के हिसाब के आसपास मेंटेन हो रहा है। 7 के आसपास मेंटेन हो रहा है। ठीक है, डायलिसिस पूरी तरह से बंद हो गया। और कब से बंद हो गया तकरीबन तकरीबन बता दो? ये डायलिसिस बंद हो गया तो ये मान लो 2 महीने के आसपास हो गए। 2 महीने हो गए कोई डायलिसिस नहीं हुआ। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि साइंस इंजीनियर ने इनकी किडनी का ऐसा क्या किया कि ये डायलिसिस रुक गया? जब हम ऐसी किसी किडनी को देखते हैं जिसके अंदर श्रिंकेज होती है, जिसके अंदर इस्टेमिक नेफ्रोपैथी पूरी होती है, तो किडनी के अंदर नुकसान के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो होता है जो कम्प्लीट पूरी तरह से मर गया है, एक हिस्सा वो होता है जो ब्लड प्रेशर की वजह से बीमार है, काम पर नहीं है। तो जो हिस्सा मर गया है उस तो कोई डॉक्टर जिंदा नहीं कर सकता, कोई मेडिसिन जिंदा नहीं कर सकती, मगर जो हिस्सा बीमार पड़ा है, काम पर नहीं है, उसे काम पर लाया जा सकता है अगर हम सही तरीके से चलते हैं। वही किया गया मनोज जी के साथ, जब उनको मेडिसिन देनी स्टार्ट की, जो हिस्सा पहले बीमार था, काम नहीं कर रहा था, फिल्ट्रेशन नहीं कर रहा था, क्रिएटिनिन को नहीं बाहर कर रहा था, उसने काम करना शुरू किया और देखते देखते महीने भर के अंदर हमारा जो डायलिसिस है वो बंद होना शुरू हो गया। तो यही हमें हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर करना पड़ता है, क्योंकि किडनी जब आपकी डैमेज है तो आप लेके चलो कि उसके 2 टाइप का डैमेज उसके अंदर है। एक हिस्सा वो होगा जो पूरी तरह से मर चुका होगा, और एक हिस्सा वो होगा जो काम नहीं कर रहा, बीमार है, जिंदा है। तो जो जिंदा है, बीमार है, काम नहीं कर रहा, उसे काम पर लेना आसान होता है। जैसे जैसे वो काम पर आएगा किडनी लेवल आपका डाउन होना शुरू हो जाएगा, किडनी की फंक्शनिंग बढ़ जाएगी और आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ हमें किडनी फेलियर पेशेंट में कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ता है, किडनी आगे खराब ना हो, क्योंकि किडनी लेवल आपने अपने से अगर देखे होंगे तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे पहला काम यही होता है कि जो किडनी लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसको बढ़ना रोकना, उसके लिए सही तरीके से हर चीज़ की पहचान करना है, किडनी का नुकसान क्या चीज़ पहुँचा रही है, क्यों पहुँचा रही है, उस पर काम करना है। तो 3 चीज़ें, बीपी, शुगर और सीरम मेटाबॉलिक के लेवल कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट मेंटेन कर लेता है तो किडनी में नुकसान होना बंद हो जाता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से किडनी को दोबारा से फंक्शनल बनाया जा सकता है, किस तरह से डायलिसिस को रोका जा सकता है। अब मैं चलने की आपसे आगे मांगता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। तो आपने खुद देखा कि लेवल्स को डाउन करना आसान है, फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो डॉक्टर्स की पूरी टीम अवेलेबल है। आप श्रेयास में फ़ोन करोगे, वो आपको पूरा हेल्प आउट करेंगे। थोड़ा सा पेशेंट्स का लोड ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाता है, उसके लिए मैं आपसे पहले से ही माफ़ी मांग रहा हूँ, बट प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा हमारे डॉक्टर्स को, वो आपको पूरा हेल्प आउट करेंगे, आपकी जो परेशानी है उसे समझते हुए उसे पूरी तरह से रिजॉल्व करेंगे। अब इसी का चलने की आगे चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।